हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.3, और इसमें हमारा जैसा कि पहला प्रश्न है जो कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, है ना। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, तो ये लिख लेंगे हम लोग, देखिए कैसे हल करते हैं। और बहुत ही ये मोस्ट होता है, समझ लीजिए एक क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है आपसे 2 नंबर का। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, इसे कैसे हल किया जाता है। अब एक बात तो जान लीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग जब दो हमारा समीकरण दिया रहेगा तो एक से हमारा एक चर का कोई का मान निकालेंगे हम लोग और दूसरे समीकरण में रख देंगे, फिर वहाँ से कोई एक चर में बदल जाएगा सारा, तो वहाँ से निकाल कर कोई एक वैल्यू का मान, है ना, अब दूसरे वाले समीकरण में नेक्स्ट वाले में रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसे ये हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया है पहला नंबर, पहला का पहला है, चूंकि दिया है, क्या दे दिया है दोस्तों समीकरण, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है हमारा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और फिर समीकरण नंबर दो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 4, इसको हम लोग समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, सेकंड, दूसरा, ठीक है। ये पहला है और ये दूसरा है। अब देखिए पहले वाले से हम लोग निकाल के क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग क्या कर रहे हैं, x का मान निकाल ले रहे हैं। तो x का मान निकाले तो ये x इधर ही रहेगा, y प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 14 माइनस वाई हो जाएगा ना। अब x का ये मान जो है समीकरण दो में रखना है, किस में रखना है, दो में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण दो में रखने पर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा समीकरण दो चूँकि x माइनस वाई बराबर 4 है, तो हमको क्या रखना है x के जगह पे, 14 माइनस वाई, कहाँ, x के जगह पे, तो रख लेते हैं हम लोग 14 माइनस वाई, और यहाँ पे अपने से भी है माइनस वाई बराबर क्या है 4। अब देखिए ये दोनों जो है एक ही में बदल गया ना पूरा समीकरण, समीकरण दो में केवल खाली एक वेरिएबल रह गया, बाकी सब अचर हो गया, है ना। तो अब निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा 14 माइनस वाई, एक ये है एक ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 14 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 2y, और इधर गया तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 14, इसके सामने प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बचेगा ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और 2 से ये 5 बार में जाएगा, राइट। यानी वाई का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इस वाई के मान को हम लोग समीकरण एक में रख देंगे, किस में रखेंगे, एक में, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, राइट। समीकरण एक क्या था हमारा, यक्स प्लस वाई, वाई का मान क्या है हमारा 5, बराबर कितना था 14, राइट। अब देखिए ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 14 माइनस 5, ये हो जाएगा 9, यानी यक्स का जो मान आया हमारा 9 और वाई का मान कितना आ गया 5, दिस इज योर आंसर, राइट। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों, इसी तरह बनाया जाता है, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है हमारा, यस माइनस टी बराबर 3 दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, चूंकि दिया है, क्या दे दिया है, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेंगे, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, यस बटा में 3, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा यस बटा में 3, और फिर क्या दिया है, प्लस टी बटा में 2 इज इक्वल टू 6। अब अगर देखा जाए तो 3 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, है ना, तो 6 हो जाएगा ना। अब 2 का गुणा यस में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2s, फिर प्लस 3 का टी में कर देते हैं, ये इसी तरह करिएगा तो बहुत ज़्यादा काफ़ी आसान हो जाता है। ये 6 हो गया ना इधर, अब 6 भाग में इधर गया तो गुणा में, सो यहाँ पे अगर देख लें हम लोग तो ये हो गया 2s प्लस 3t,
इज इक्वल टू, सिक्स में सिक्स का मल्टीप्लाई होगा तो 36, है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे, सेकंड मान लेंगे। अब समीकरण एक से कोई एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं, तो यस का निकाल लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, किससे, समीकरण एक से, समीकरण एक से हम लोग यस का मान निकालेंगे, तो माइनस टी इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + t। अब इस यस के मान को समीकरण दो में रखेंगे, किस में रखेंगे दोस्तों, दो में। तो लिखेंगे यहाँ पे यस का मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो क्या दिया हुआ है दोस्तों, 2s + 3t = 36। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 और यस के जगह पर क्या रखना है, 3 + t, 3 + t और फिर क्या है, +3t और बराबर कितना है, 36 दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा ना, 2 का t में करेंगे तो +2t और प्लस ये क्या है हमारा, 3t है, बराबर क्या है, 36। अब देखिए तो ये हो जाएगा 6 + 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5t, बराबर कितना है, 36। ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36 में से 6 घटेगा तो 30। अब ये 5 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 5 × 6 का कितना हो जाएगा, 30। यानी t का जो मान है आपका कितना आ गया, 6 आ गया, कितना आ गया दोस्तों, 6, राइट। अब इस t के मान को किस में रख देते हैं, समीकरण एक में रख देते हैं। जब यहाँ पे t का मान रख देंगे तो यस का आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक में लिख दीजिएगा, चाहे एक से भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक। यस माइनस टी का मान कितना है दोस्तों, 6 रख देंगे बराबर 3। अभी माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यस का मान देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा ना, 3, और ये माइनस इधर गया तो प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और टी का मान हमने कितना निकाला, 6, और ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y = 3 है और 9x - 3y = 6। तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोस्तों, इसको पहले वाले को समीकरण नंबर एक मान लिया और दूसरे वाले को दो मान लिया, राइट। अब यहाँ से समीकरण एक से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप प्रतिस्थापन विधि से। दो क्वेश्चनों में मैंने नहीं लिखा लेकिन लिख लेना है आपको, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दिया हुआ है दोस्तों, 3x - y = 3, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लगा दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना, दूसरे में। और पहला वाला ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, राइट। तो इसको भूलिएगा मत, इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से। समीकरण एक क्या दिया हुआ है, 3x - y = 3। तो हम यहाँ से अब बताइए किसका मान निकाला जाए, यक्स का कि वाई का, तो किसी का भी निकाल लीजिए, यक्स का ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3x रहने दे रहा हूँ मैं, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, 3 + y हो जाएगा। अब मेरे को यक्स का चाहिए, तो 3 गुणा में इधर गया तो भाग में हो जाएगा ना, यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + y / 3। अब ये आ गया यक्स, यक्स का मान आ गया ना। अब इसको कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर दो में लिखेंगे, समीकरण दो से। समीकरण दो में यक्स का मान रखने पर, क्या करने पर दोस्तों, रखने पर। तो समीकरण दो क्या दिया हुआ है, 9 और यक्स के जगह पे आपको ये रखना है 3 + y / 3, उसके बाद फिर -3y = 9। अब यहाँ से देखिए 3 से ये कट जाएगा 3 times, 3 का 3 में होगा गुणा तो 9, और 3 का y में होगा तो +3y, और ये क्या हो जाएगा, -3y = 9। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गया तो 9 = 9 आ गया। अब देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं रह रहा है ना, तो यानी कि जो दिए गए समीकरण है ना, ये दोनों समीकरण एक और दो, इन दोनों का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना, कोई फिक्स हल नहीं होगा,
यानी यहाँ पे आप यक्स और वाई का मान नियत नहीं ज्ञात कर सकते, तो क्या लिखेंगे? चुप। अतः दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस प्रकार है, ये आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो बोल रहा है यहाँ पे कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर है हमारा 1.3, है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दे दिया है, तो 0.2x है, फिर प्लस 0.3y इज इक्वल टू क्या है, 1.3। अब देखिए पॉइंट के बाद एक अंक है ना, तो अगर पॉइंट हटा दूँ तो नीचे कितना आएगा, 10। तो ये हो जाएगा 2/10 इंटू यक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3y/10 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1.13 हो जाएगा अगर पॉइंट हम लोग हटा देते हैं तो, 10। अब अगर देखें तो 10 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10। और देखा जाए तो ये दोनों हर में जो है हमारा बराबर है, तो ऊपर वाला सिंपली चिन्ह के साथ जुड़ जाता है, तो 2x+3y बराबर क्या है, 13/10। देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, ये हमारा मिल गया 2x+3y इज इक्वल टू क्या है, 13। ये इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, राइट। नाउ अगेन पुनः अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, दूसरा तथा यहाँ पे दिया हुआ दूसरा समीकरण 0.4x और फिर क्या है, 0.5y बराबर क्या है हमारा, 2.3, है ना। अब अगर इसे हम लोग थोड़ा सा लिख लें, पॉइंट हटा दे और नीचे 0 बढ़ा देते हैं, है ना, पॉइंट हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x/10 और फिर प्लस 5y/10 बराबर क्या हो जाएगा, 23/10, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है ना। आगे देखते हैं आप, 10 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो ये ऊपर वाला जुड़ जाएगा हमारा, 4x+5y इज इक्वल टू 23/10। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल आउट, क्या बचा हमारा, तो यहाँ पे देखा जाए तो 4x+5y बराबर 23, है ना। यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे और छोड़ देंगे अब हम लोग। अब लिखेंगे इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, किससे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसी से हल कर रहे हैं ना हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या है हमारा, तो समीकरण 1 से हम लोग किसी एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, तो 3y+ में उधर गया तो माइनस में, सो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 13-3y। अब 2 गुणा में और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में, x बराबर क्या आ जाएगा, 13-3y और बटा में क्या हो जाएगा, 2। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, राइट। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है दोस्तों, 4 और x के जगह पे ये रख देंगे, 13-3y और बटा में क्या है हमारा, 2 और प्लस 5y बराबर क्या है, 23, ठीक है। ये समीकरण 2 में हमने रख दिया, क्या रखा है, x के जगह पे ये वाला पूरा वैल्यू, है ना। अब देखिए यहाँ से इसको कट अगर करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 बार में कटेगा ना, 2 से इसमें गुणा कीजिए, 13 × 2 = 26, 2 × 3 में करेंगे तो 3 × 2 = 6y और फिर प्लस 5y इज इक्वल टू है हमारा 23। अब अगर देखें हम लोग तो ये 26 है, 26 प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो यानी 23 में से 26, यहाँ पे देखिए माइनस 6y में से 5y घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का y, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, यानी 23-26। अब अगर देखा जाए तो ये आ जाएगा माइनस का 3, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y बराबर क्या मिल गया हमें, 3 मिल गया। अब लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पे, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है,
समीकरण दो क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण दो दिया हुआ है 4x प्लस, चाहे समीकरण एक में रख दीजिए आप, समीकरण एक में रख देते हैं हम लोग, है ना दोस्तों, यहाँ पे रखेंगे समीकरण एक में, क्योंकि दो में तो रख चुके हैं ना, तो यहाँ पे एक कर लेंगे, दो नहीं करेंगे, है ना। तो समीकरण एक क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y, y का मान क्या रखना है दोस्तों, क्या आया है हमारा, 3 आया है, यहाँ पर रख देंगे 3 बराबर क्या है 13। अब देखिए यहाँ पे 2x बराबर ये 3 3 9, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 13 माइनस 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 2x बराबर 4 आ गया हमारा, 2 2 4, यानी देखा जाए तो x का मान कितना निकल के आया 2, और y का मान कितना आया 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन 5 हमारा दिया हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ समीकरण √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हमने यहाँ पे जैसा कि लिख लिया है, चूँकि दिया हुआ है, ये पहले समीकरण को समीकरण नंबर एक, दूसरे वाले को दो मान लेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण एक से, है ना, क्या लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करेंगे दोस्तों, तो समीकरण एक से x का मान निकालेंगे ना, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, तो √2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y, राइट। अब ये √2 गुणा में है और इधर जाएगा तो भाग में, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस √3y, और बटा में क्या हो जाएगा √2। अब x का मान हम लोग समीकरण दो में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर, लिख लेंगे ना आप, तो समीकरण दो क्या दिया हुआ है √3, और x के जगह पे ये वाला हम लोग रख लेंगे, क्या रखेंगे ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर रख लेंगे, तो √3, और x का मान क्या है माइनस √3y अपॉन में √2, राइट। फिर उसके बाद देखिए माइनस √8y है ना, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस √8y इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए यहाँ पे √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 3y, वो भी माइनस में, बटा में क्या हो जाएगा √2, और इसके बटा में एक छिपा हुआ है, तो एलसीएम अगर ले लें हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा √2 एलसीएम, है ना, और √2 का इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4y इज इक्वल टू 0। अब देखिए √2 भाग में इधर जाएगा तो गुणा, और जब 0 से गुणा होता है तो 0 आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 गुणे √2, और ये समथिंग 0 हो जाएगा, है ना, 0 में किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो, यानी माइनस 7y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब माइनस 7 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 0 बटा में माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब इस y के मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में y का मान रखने पर ठीक है, लिख लेंगे आप, समीकरण एक क्या दिया हुआ है √2x प्लस √3, और y का मान हमने कितना निकाला है अभी 0, तो यहाँ पर रखेंगे 0 बराबर 0 है हमारा, है ना। अब देखिए दोस्तों कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, मान 0 देगा ना इन दोनों का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा √2x प्लस 0 बराबर 0, ये ख़त्म हो जाएगा कहानी। अब √2 गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा ना, तो x बराबर, इन दोनों को जोड़ने के बाद √2x मिलेगा, उसके बाद √2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये भी आ गया 0, यानी x का मान क्या आ गया 0, और y का भी वैल्यू 0 आएगा। तो इन दो दिए गए समीकरणों का जो हल होगा x बराबर 0 और y बराबर भी 0 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, 6 नंबर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3, राइट, बराबर माइनस का 2।
अब देखिए यहाँ पे कि दो और तीन का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, छः आ जाएगा ना, तीन का गुणा इसमें कर देते हैं तो नौ यक्स माइनस का दो का इसमें करेंगे तो दस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का दो, छः भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का बारह। ये समीकरण नंबर अब इसे एक कहेंगे हम लोग, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है, यक्स बटा में थ्री, यहाँ पे लिखेंगे यक्स बटा में थ्री दिया हुआ है, फिर प्लस वाई बटा में टू और बराबर क्या है तेरह बटा छः। अब इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो तीन दुना छः आएगा, छः का इधर गुणा करेंगे हम लोग, चाहे लिख लीजिए तीन दुना छः हो जाएगा। दो का यक्स में कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा दो यक्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, दो का यक्स में करेंगे तो क्या हमने बोला दो यक्स, फिर प्लस तीन का वाई में करेंगे तो थ्री वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरह बटा छः, छः से छः डिलीट हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू तेरह। यह हमारा समीकरण नंबर इसे दो कर लेंगे, है ना। यह हमारा एक था, है ना। अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ से लिखते हैं अब, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से, किस विधि से प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान निकाल लेना तो ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो यहाँ पे देखा जाए तो नौ एक्स बराबर क्या बचेगा दस वाई माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो लीजिए दस वाई हमने प्लस में लिख लिया, ये माइनस बारह लिख दिया बाद में, है ना, अच्छा लगने के लिए। फिर अब यहाँ पे देखा जाए तो नौ गुणा में और इधर जाएगा तो भाग में, सो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दस वाई माइनस बारह और बटा में क्या हो जाएगा नौ। अब लिखेंगे यक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, किसमें यक्स का मान समीकरण दो में रखने पर लिख लीजिएगा ना, तो समीकरण दो दिया हुआ है दो और यक्स का मान क्या लिखेंगे हम लोग, ये वाला दस वाई माइनस का बारह बटा में क्या है नौ है, फिर उधर क्या है प्लस थ्री वाई बराबर क्या है हमारा तेरह, राइट। हमने क्या किया यक्स का मान समीकरण दो में रख दिया, यक्स के जगह पे खाली केवल, है ना। चलिए उसके बाद दो का इसमें गुणा कर दे हम लोग तो ये क्या हो जाएगा बीस वाई, दो का माइनस बारह में होगा तो माइनस का चौबीस और बटा में ये देखिए नौ और तीन का एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एक और नौ का, तो क्या आ जाएगा हमारा नौ आ जाएगा ना। तो ये एक का गुणा अगर इस सब में करेंगे तो इतना ही होगा, नौ का गुणा तीन वाई में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस नौ तिया सत्ताईस वाई बराबर क्या हमारा तेरह, नौ भाग में और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ पे बीस वाई और ये सत्ताईस वाई कितना हो जाएगा सैंतालीस वाई, नौ इधर गुणा भाग में है और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो तेरह नवा कितना होता है तेरह नवा एक सौ सत्रह और माइनस का चौबीस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक सौ सत्रह प्लस चौबीस हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा सात चार ग्यारह और एक दो तीन और एक हासिल चार हो जाएगा ना, और ये एक, ये क्या हो जाएगा सैंतालीस वाई, सैंतालीस से इसको कटाइए थ्री टाइम्स चला जाएगा, है ना, सात या इक्कीस चार या बारह दो चौदह हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया थ्री। अब इस वाई के मान को किस में रख देंगे समीकरण नंबर एक में, है ना। तो समीकरण एक से यहाँ पे लिख देंगे आप समीकरण एक में वाई का मान रखने पर, समीकरण एक क्या दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे देखिए नौ एक्स माइनस दस वाई बराबर माइनस का बारह, है ना, नौ एक्स माइनस दस वाई का मान क्या रखना है तीन बराबर माइनस का बारह। अब अगर इसे आगे हल कर लिया जाए तो ये नौ एक्स और दस दिया कितना हो जाएगा तीस, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये माइनस में था इधर गया तो प्लस में, तो ये बराबर हमारा माइनस का बारह और दस दिया कितना हो जाएगा तीस, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा ना। अब देखिए घटाएंगे तो कितना बचेगा अठारह, तो नौ यक्स बराबर कितना आ गया अठारह और ये कटेगा तो दो बार में कट जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा दो और वाई बराबर तीन, ठीक है। तो उम्मीद है ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।